ओ लिख मोची तो माला फेरी गे अमर पुरा रे माई। एक बार सभी लोग ताली के साथ बोल दो, गुरु महाराज का भजन है। लिख मोची तो माला फेरी गे अमर पुरा रे माई। अमर पुरा रे मागी सतगुरु चनार गाव मागी। अमर पुरा रे मागी सतगुरु चनार गाव मागी। सतगुरु सा लिख बोची सतगुरु सा तो माला फेरिए अमर पुरा रे मागी। सतगुरु सा माला फेरिए राम नाम गुण गाई। नागुर जिला चनार गाव अड़की रे बस्ती मागी। नागुर जिला चनार गाव बड़की रे बस्ती मागी। घर रामू जीर जन्म लियो घर रामू जीर जन्म लियो सोलंकी कुल मागी। सोलंकी कुल मागी सतगुरु सा लिख मोची तो माला फेरी है अमर पुरा रे मागी। सतगुरु सा माला फेरी है अमर पुरा रे मागी। जी महाराज बड़ा हुआ, सगाई करी, शादी हुई, एक बार राम जी महाराज ने बच्चा हुआ, पर मन भक्ति में लागो। गुसाई जी महाराज तो मंदिर जिन्हें सेवा करता, अब अटने तो गाड़ी था मुसलमान, अजान देव ने चलू करे उनके माइक वाइक नहीं था, अजान देव ने चलू करी अटने वे ढोल नगाड़ा रे साथ आरती करे गुसाई जी महाराज रे मंदिर, तो मुसलमानों रे अजान होनी चाहिए नहीं। तो गाड़ी तक मुसलमान विचार करियो रे वो बाबो रोजी ना अजान खराब कर दे और नियत इन बाबा ने मार दो मारण वास्ते विचार करियो। लिखो जी महाराज आरती कर रवाना हुआ तो गाड़ी तक मुसलमान चार लोग घोड़ा ले और लारे लगा लिखो जी महाराज ने मारण वास्ते। अब वे लारे लगा लिखो जी महाराज ने खबर पड़ी गई तो लिखो जी महाराज क्यों बाबा मैं तो खाली आप सेवा करूँ और अगर आप सेवा रे मायने प्राण आप काम आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। रामदेव जी महाराज कृपा करी घोड़ा जीण जगह खड़ा रिया ऊटे घोड़ा रा खुर चले पर घोड़ो आगे नहीं चले। लिखमी राम जी महाराज आपरे सत्संगरी जगह माते पहुंच गया जागरण करना आएगा बाकी घोड़ा माते सवार पर घोड़ा ऊनी जगह खुर पटक पटक ने खाड़ा कर दिया। दूजे दिन सुबह पूरा गांव इकट्ठो गयो देखण वास्ते के घोड़ा आगा पाछा क्यों नहीं हिले। लिखो जी महाराज भी आया आते ही लिखो जी महाराज बात करी क्यों भाई आ बात है और इन वास्ते या तो ये गाड़ी तक मुसलमान अटे रहे जान करी के पे गुसे जी महाराज री मंदिर आरती वेला। अब शर्त क्या रखी तो गाड़ी तक मुसलमान देखियो गांव बारे काट देखियो गुसे जी महाराज मंदिर मारो है हिंदू मुसलमान दो ही माने मंदिर मारो है कम कम पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो कहा ठीक है आपका है। अब शर्त एक है कि इस मंदिर के ताड़ा लगा दो और अगर जिसकी भक्ति से इधर से आप गाड़ी तक मुसलमान आप अजान दो आप अपनी जो भी अजान करना जो भी करना वो करो और इधर से हमारे भजन करेंगे जिसके भजन से या जिसकी अजान से ताड़ा खुल गया तो गांव में गाड़ी तक मुसलमान रहेंगे और ये गुसाई जी मंदिर उनका होगा और अगर भजन से ताड़ा खुल गया तो गांव में खाली ये लोग रहेंगे और मुसलमानों को गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा। बात हुई साहब सुनिए बाबा ने सच्ची की। आज भी चेनार गाँव के अंदर कोई भी गाड़ी तक मुसलमान नहीं रहता कोई भी सिर्फ हिंदुओं के घर। राम जी महाराज गाड़ी था मुसलमानों ने बहुत की अजान की खूब किया अल्लाह को याद किया उनको पैगंबर को जिनको भी याद करना पर क्योंकि मन में जब सच्ची भक्ति हो तो भगवान सुनता है या अल्लाह सुनता है। खूब कोशिश की नहीं खुला अब बारी आई लिखो जी महाराज की।
कलिकमो जी महाराज तो कुछ नहीं, दो जना मजीरा वाला आप हाथे बिना माते हरू गया है। बाबा री भक्ति करनी चालू करिए और देखो कई रचना बने। अरे गुसाई जीरा मंदिर रे तीनों ताड़ो लगाई, गुसाई जीरा मंदिर रे तीनों ताड़ो लगाई, बिना चाबी रे ताड़ो खोलायो, बिना चाबी रे ताड़ो खोलाय, राम भजन करताई ए हरी भजन करताई, लिखबो जी सतगुरु सा लिखबो जी तुम्हारा ये अमर पुरा रे माई, जैसे ही ताड़ा खुला लिखबो जी ने भक्ति की, बिना बजते बजते ताड़ा ऑटोमेटिक खुल गया बिना चाबी के। एक बार ताली दिल खोल करके ताला खुला, गांव के मुसलमान पांव पड़े। लिखबो जी महाराज ने कहा जो आपके गांव के मुसलमान इस गांव से चनार छोड़ करके बाहर चले जाएंगे तो उनका वंश बचेगा, और अगर कोई इस गांव में रह गया तो वंश खत्म हो जाएगा। उसके बाद आज भी चनार गांव में कोई नहीं, अमरपुरा में भी कोई मुसलमान नहीं। उसके बाद सबसे बड़ा परचा मैंने बताया, पाणत करने के लिए गए खेत में, बुलावा आ गया सत्संग का, अब जाना कैसे। हाली बोले मैं तो मारे बंटरी पाणत कर दी, आप रो खेत रो बाकी पड़ी हो आप करो। अब जागरण में भी जानो पाणत भी करनी, पाणत में लागा पर मन नहीं लागो पाणत में, तो डोकरा पाणत छोड़ दियो, क्यों पानी जाई तो जाई, बाकी मैं जागरण में जाऊँ। अटने लिखो जी महाराज जागरण में गया है, हाली घरे जान सोई गयो, और दूजा खेतरो पाकती वालों जो को मालिक है वो देखे है कि लिखो जी महाराज आया है और पाणत कर रहा है। और सुबह अटनू तो वो खेतरो मालिक हो वो आयो, अटनू जागरण जी ने करे वो आयो, जागरण वालो आनो खेत वाला ने कियो भाई रात लिखो जी मारे घरे कोई भजन गाया है, जोरदार भजन गाया है। वो खेतरो मालिक के कालो बेगो रात रात तो पाणत करता लिखबो जी, अरे खेत में पाणत करता, अरे के नहीं करता मारे घरे भजन का होता। अब दोनों जगह जब दोनों जगह लोग इकट्ठा हुआ तो क्योंकि एक जगह लिखबो जी महाराज खुद था और पाणत करने रामदेव जी महाराज खुद लिखबो जी रो रूप करने आया था। देखियो अरे खेता मागी पाणत करता हाली बात बताई, रामा तीर लिख मोची बनिया, रामा तीर लिख मोची बनिया, पाणत करवा जाई ये तो पाणत करवा जाई, लिख मोची सतगुरु सा माड़ा फेरी गए अमर पुरा रे माने। इसके बाद मैंने बताया जैसलमेर ठाकुर साहब का पर्चा, इसी प्रकार से झुंझाड़ा और नागौर के पास एक गांव, मुझे पता गांव का नाम ही बाकी बादू बादू करके कोई गांव है, दोनों जगह सत्संग का बुलावा, पांडू हाँ ऐसा कुछ नाम है पांडू या पांडू कुछ गांव का मुझे पता नहीं, बराबर दोनों जगह एक दिन में दो बुलावा। अब दोनों जगह सत्संग, यहाँ भी सत्संग वहां भी सत्संग, लिखमो जी भूल गए एक जगह का बुलावा, एक जगह जाकर बैठ गए, दूसरी जगह वाले इंतजार करे लिखमो जी आवे लिखमो जी आवे, लिखमो जी ने भजन गाना शुरू किया। दूसरी जगह जहाँ पर नहीं पहुंच सके वहाँ रामदेव जी महाराज हरजी बाटी की तरह रामदेव जी महाराज हड़बू बाबू रे साथ आप लिखमो जी रो रूप करियो, हाथे दोयो ने लीदा तंदूरो लीदो और पूरी रात भजन करे। और सब लोग क्यों रे बाबा रात रात भजन कर दो, नहीं बाबू तो चेनार में भजन करो, अरे बांडू में भजन कर दो नहीं चेनार में भजन कर दो, तो ही गाँव रहा बेड़ा हुआ। लिखमो जी महाराज क्यों भाई मैं तो मारा भजन कर दो, बाबा आपरा भजन आप जगह माते करिया। लिखे चेनार गांव सत्संग करता राम नाम गुण गाई, रामा पीर लिख मोची बनिया, रामा पीर लिख मोची बनिया, हरी गजन कर आई राम नाम गावे आई, लिख मोची सतगुरु सा लिख मोची माड़ा फेरी है अमर पुरा रे माई, लिख मोची माड़ा मेरी है अमर पुरा रे माई। बोले रामदेव जी महाराज की।
सरकारों रामदेव जी महाराज समाधि ली और समाधि रे बाद अपने भाई ने हड़बू जी बाबू जी ने रतन कटोरो निशानी दी उन्हीं प्रकार दिखमो जी महाराज समाधि तैयारी करी है। तो भगवान स्वयं दास हुआ और नाम रखा लिखमी दास से पलट करके लिखमी राम से पलट करके लिखमी दास। भगवान वैकुंठ धाम कंधे पर बिठाकर पालकी में ले गए उनकी काया को तो आत्मा को तो अंश को ले गए शरीर यहां रहा। अब कुछ उनके भक्त थे जो गुजरात रहते थे अहमदाबाद उन भक्तों को पता नहीं था इधर लिखमो जी ने समाधि ले ली उधर अहमदाबाद ने भक्त के लिखमो जी महाराज गुजरात में सत्संग करने तो लिखमो जी महाराज ने बुलावो भेजे है समाधि ली उड़ा लिखमो जी महाराज अटे समाधि ली पर वटी ने समाधि में बारे निकल लिखमो जी महाराज आपरो शरीर तो मायने गए पर उन जगह शरीर धारण कर रामदेव जी महाराज और गुजरात रे माए भजन करे और देखो दास बन जावे भगवान स्वयं। लीनी समाधि लिखमो जी अमर पुराने माई लीनी समाधि लिखमो जी अमर पुराने माई भक्ति करे गुजरात मागी भक्ति करे गुजरात मागी रामा पीर खुद आई लिखमी दास बन जाई लिखमो जी सतगुरु सा लखमो जी तुम्हारा मेरी है अमर पुराने मागी ये रचना इसके जो अंतरे लिखे हुए हैं ये अंतरे मैंने लिखे हैं और इसका मूल जो है आप जो सुन रहे हैं स्थाई ये मालिक चंवरलाल जी गहलोत ने लिखा था। मालिक चंवर जी ने मंदिर बताए थे पूरी जगह पर मैंने जब उसको सुना मैंने भैसा से बात की मैंने कहा भैसा इसमें कुछ सुधार करो क्योंकि मंदिर तो माला फेरना मतलब इन्होंने जहाँ माला फेरी माला का प्रताप क्या है। उन्होंने कहा बेटा क्या करना मैंने कहा मैं गाऊँ के वो तू गा ले फिर मैंने सुधार करके ये गाया उन्होंने गाया पर जिनकी मूल रचना है चंवर जी की लिखी हुई स्थाई है इसलिए मैं उनको भी एक बार तालियां बजाएं चंवरलाल जी के लिए भी। आप सभी अभी रानी में हैं पर उनके कैमरा मैन इधर हैं बड़ोदर फिल्म द्वारा यूट्यूब जो चल रहा है डोगरो बड़ोई चारों मेहर पहुंची उड़ा लिखमो जी कम नहीं है अटे भी है बटे भी है। माली चवर गुरु चरणा मागी बैठ महिमा गाई माली चवर गुरु चरणा मागी बैठ महिमा गाई माली रमेश चरण रो चाकर माली रमेश चरण रो चाकर राखो चरणा माई गुरु राखो चरणा माई लिखबो जी सतगुरु सा लिखबो जी माड़ा मेरी है गुरु चरण दे माई लिखबो जी माड़ा तेरी है अमर पुराने माई